हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है अंकित। मैं इस तरह बाइक में गया था, कहाँ गया था आप सबको तो पता है कि दीपिका का बर्थडे 6 अगस्त को था। हम हॉस्पिटल में थे उस टाइम, ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम आपके सेलिब्रेट कर सकें अच्छे से। तो इस बार अभी एक्चुअली आज ही स्पेशल उसको फील कराने के लिए, उसको पैम्पर करने के लिए सपा बच्चों ने सब प्लान किया था, क्योंकि एक्चुअली सारा कल जा रही है, तो हम चाह रहे थे कि सारा के रहते रहते ये सारी चीज़ें हो जाएँ, तो वो कर रहे हैं। तो उसके लिए गिफ्ट लेना तो बनता है, तो मैं गया था उसके लिए गिफ्ट लेने। क्या लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगा उसी वक्त जब हम सेलिब्रेट करेंगे। और आपको तो पता है कि दीपिका बोल रही थी आपको शेव ट्रिम करना चाहिए मुझे, तो आज उसके बर्थडे है, तो मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, तो मैं थोड़ा सा सोचा शेव भी ट्रिम कर लूँगा और रेडी हो गए फटाक से हम चलते हैं उसके सेलिब्रेशन में। क्यों बोलता है चलो, है ना, चलो चलते हैं फटाक से। अभी मैं आ गया हुआ है, मतलब ना कोई सरप्राइज रह नहीं सकता उसके सामने। और हम लोग ऐसे उगल देते हैं ना, अभी हम लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा सर ऊपर चाबी दिखाई, मैं देख के आऊँ। तो क्या करे, हमेशा उन्हीं के सामने हर चीज प्लानिंग होती है, अकेले अकेले में कैसे करें हम लोग खाना ऑर्डर सामने ऑर्डर। तभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, आते हैं ऊपर चलते, आ जाओ। तो ये है जो बच्चों ने आज पूरा प्रिपेयर किया है। फ्रेंकली बोलूं मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, सब कुछ सबा रिजा रेहान सबकी प्रिपरेशन है। मैं बस गया था, मैं गिफ्ट लेके आया था। तो ये है यहाँ पूरा निज़ाम क्या, ये है सबा का नया फ्लैट, यहाँ पे इस बार हम लोग कर रहे हैं। और बस अभी जल्दी से मैं चलता हूँ, फिर बाद में मैडम को भी लेके ऊपर आना है और मैं भी थोड़ा सा रेडी वेडी हो जाऊँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद। मेरी 1.5 महीने की शेव जो है वो आज निकल गई है। मैंने बोला था कि ये शुरुआत करेगी लेकिन ये बिजी थी, तो फिर मैंने खुद ही जाके कर ली। बट शेव निकालने के बाद मुझे ये एहसास, मुझे ये फील हुआ है कि हाँ मैं श्रिंक हो गया हूँ थोड़ा सा। बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पुट ऑन कर लिया है। एक्चुअली हॉस्पिटल में इतना स्ट्रेस था ना, तो उस वजह से मैंने पुट ऑन कर लिया, बट श्रिंक हुआ है फेस। तो एस आई एम हैप्पी। और पूरी लाइट नहीं की है मैंने, थोड़ी सी रखी है। क्यों, इतनी चाहिए थी? अच्छा इतनी चाहिए थी, हाँ, और इतनी ही रखा करो। फिर वो यहाँ से भी दाढ़ी भर जाती है और ये फिर मुझे परेशान करते रहते हैं। देखो दीप्ति, देखो मैं मोटा हो गया, ये देखो मेरे गाल ऊपर आ गए हैं क्योंकि ये ऑलरेडी भरा हुआ है। अब देखो, अब बोलते हाँ यार मेरा फेस श्रिंक लग रहा है। क्या बोलता संतोष, ये सही है या पहले अच्छा था? ये अच्छा है, पहले जो बड़ी दाढ़ी तुम्हें, पहले वाली, पहले वाली, ये लड़के सब पहले वाली, हां पहले वाली। ये लोग भी आ गए हैं यहाँ पे, इनको भी खबर मिल गई थी। तो बस अभी पापा की दवाई देंगे और आज पापा को हम ऊपर लेके जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि पापा ना बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं, बिल्कुल कि लेजी बच्चा नहीं होता। तो डॉक्टर से हम बोलते हैं कि बहुत आराम करते, डॉक्टर बोलते नहीं वो बिल्कुल ठीक है। मैं आमिर खान क्यों बोल रहा हूँ, नहीं डॉक्टर बोलते हो बिल्कुल ठीक है अभी ऐसे कोई, हाँ फिजियो चलेगा उनका 3-4-5 महीने, वो चलेगा वो अलग बात है, लेकिन उनको जितना हो सके उनको उठाओ उनको बिठाओ। वो बस बोलते नहीं मैं लेट रहा हूँ, नहीं मैं थक गया मैं लेट रहा हूँ। तो आज हमने बोला कि पापा आज आप ऊपर चलोगे और बैठोगे कुर्सी में सबके सामने। तो आज पापा को भी हम सेलिब्रेशन में इंक्लूड करेंगे, उनको ऊपर लेके चलेंगे। तो अभी हम चलेंगे ऊपर और ये मैडम बाद में आएंगी, ऑब्वियसली बात है 5-10 मिनट के बाद। अब तक मैं पापा को लेके ऊपर जा रहा हूँ, उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा जाने में। संतोष लिफ्ट बुलाओ, ऊपर मिलते हैं आपसे। चलिए हमारा बुलावा अभी आ गया है, अब हम चलते हैं। बाद लिफ्ट में आई हूँ, मैं जब भी सभा के घर पे जाती हूँ मैं स्टेयर से जाती हूँ। ये क्या बात हुई यार, ऐसे कुछ खड़खड़ करके हमको ऐसे रेडी कर दिया, अभी वापस खोल दिया। हाँ ओके, खुला खुला नहीं खुल रहा। अरे ये क्या हो रहा है, अच्छा खोलो आ जाओ। Thank you.
बहुत ही सुंदर लगे। ये हो गया है, मैडम आ चुकी है और आज तो स्पेशल पापा भी आए हैं। देखो क्या देखो पापा की स्माइल माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। और आज खालू भी भोपाल से आए हुए हैं क्योंकि खाला कल जा रही है, सारा कल जा रही है, तो उनको लेने के लिए खालू भी आए हुए हैं। पिछली बार जब ये जा रहे थे तो गोल्डन प्लेट का अनबॉक्सिंग हो रहा था, ये नहीं रह पाए थे, तो आज सेलिब्रेशन स्पेशली सारा और सब चीज़ ताकि ये लोग भी साथ में रहें यहाँ पे। तो चले, हालांकि बर्थडे 6 तारीख को हो चुका है लेकिन हमने वादा किया था कि जब घर पहुँचेंगे स्पेशल करेंगे। तो भैया आज तो मुझे मैंने गेस तो कर लिया था कि आज बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है क्योंकि मैं बहुत सारे सरप्राइज खराब किया था। अम्मी ने बर्थडे वाला सरप्राइज नहीं खोला, अम्मी ने सिर्फ बोला कि ऊपर कुछ है, तो मुझे लगा अच्छा चलो आज कुरान खानी हुई है घर पे है, तो मुझे लगा उस वजह से कुछ दावत वावत सब ऊपर साथ में बैठ के खाएंगे। स्टेशनरी जाना है तो मेरे कारे से खड़े हो गए, बोला अच्छा अब मैं समझ गई। ये नहीं है, मैं सच में आई स्वेयर मैंने नीचे से निकलते हुए सोचा छुरी लेके चलू क्या, मैंने सोचा नहीं जाने तो ज्यादा हो जाएगा। आपको भूलना हमारा ऐसे हमारी खानदानी परंपरा है। मम्मी रेडी खड़ी है कि कब हो और मैं जाऊं कि पापा क्यों बिल्कुल क्यों नहीं खड़ा है, हमारे लोग बैठे हैं, इतनी खुशी का दिन है, खुशी की बात है हमारे लिए, क्यों नहीं खड़ी होंगी। हैप्पी बर्थडे, जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि स्पेशल फील कराएंगे। बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। बस अम्मी की यही दुआ है कि ऐसे हंसती हंसाते रहो, बहुत अच्छा अल्लाह खुश रखे अम्मी की मदद लगे आपको। संतोष का स्पेशल होकर हम बर्थडे सेलिब्रेट करके जाओगे। I love you, भाभी। You are the best. आप बहुत अच्छी हो और हम हाँ आप बहुत अच्छी हो और हम लोगों से बहुत प्यार करती हो, हम लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। पेन है हाँ, बहुत अच्छा है, पाकर है। और मुझे वैसे भी पेन्स का बहुत ज़्यादा क्रेज है, मुझे अच्छे पेन्स कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। Yes, बहुत अच्छी है, थैंक यू। ये एकदम मेरे पसंद की, मतलब ये मुझे अच्छा लगता है ये स्टेशनरी रखना। थैंक यू। अभी बर्थडे भाभी। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे बेस्ट भाभी, यू आर सो स्वीट। थैंक यू, यू लव अस सो मच, वी लव यू टू मच। थैंक यू, सो स्वीट, सो क्यूट। बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू, बहुत अच्छा है और साइज भी अच्छा है। Very good. मेरी स्टेशनरी वाला पाउच पुराना हो रहा था। बहुत अच्छा है। ओहो, तुमने तो मुझे दिखा दिया था अपना लिफ्ट के बाहर खड़े होके। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे भाभी। अंदर भी लिखा है क्या तुमको, गुलाब जामुन दही बड़ा और एक क्या चीज थी वो खाना है, बर्गर, अंदर भी वही लिखा है।
हैप्पी बर्थडे भाभी, यू आर बेस्ट फॉर अस, वी लव यू अ लॉट, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लव यू ऑलवेज, थैंक यू, ओह ये सो क्यूट, हैप्पी बर्थडे, नो वन इज परफेक्ट बट इम्परफेक्शंस मेक अस क्यूट फ्रेंड्स, वी आर, बहुत अच्छा है ये कदलू है बहुत प्यारा है आई, अच्छा ये सेम मग है, सेम है, आई सो क्यूट, फ्रेंड्स फॉरएवर, यस भाभी जो दूसरा वाला गिफ्ट है वो तो हाँ, मुझे पता है, ये ऐसे ही वाला, ये ऐसे ही वाला, ये कलर तो बहुत प्यारा है, ये दो है मेरे भाभी, ये वन पीस है, अच्छा ओ सॉरी, हाँ बहुत अच्छा, और ये एक अलग सेट है, हाँ ये और ये पूरा सेट है, ये ओके ओके, अरे बाप रे आपको ऐसे पसंद है ना, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, कलर भी मेरे को ये वाला पसंद है, इसी ज्यादा येलो येलो दिया है, खुल के दिखाओ, अच्छा रहेगा जवाब, अच्छी है ना, बहुत सुंदर, तुम निकालो, हम कहाँ पे, कहाँ लाया भाई गिफ्ट है उसके लिए, नीचे मुझे बोल रहे थे मैंने घड़ी दिला दी, तो घड़ी तो दिला दी, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसको पूरे साल स्पेशल फील, क्योंकि उस टाइम हॉस्पिटल में थे ना हम लोग, और उस टाइम नहीं हो पाया था, मैं पूरे साल इसको गिफ्ट्स दिलाता रहूंगा, स्पेशल फील करवाता रहूंगा, और अभी आपके लिए भी सरप्राइज है, इन्होंने बस देखा है, दिखाया मैंने अब तक कि मैं कहाँ गया, लेकिन क्या लिया वो मैंने दिखाया, हैप्पी बर्थडे, अरे वाह बहुत सुंदर है, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था, तो ये ब्रेसलेट मैंने इसके लिए ली थी, बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ये आपका ही है, मैं सोच रहा था क्या लूं, एक बोलता भाई स्कूटी गिफ्ट कर दो, एक बोलता भाई ये कर दो, बोला के नहीं, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें दिया था गले का ये, तो मैंने कहा ब्रेसलेट इस बार देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, और ये अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा है, मतलब मेरे हाथ के हिसाब से भी एकदम अच्छा आया है ना, बहुत प्यारा है, थैंक यू, थैंक यू, मैं सब कुछ कल शॉपिंग, उठा लूं आपको, थैंक यू खाला, थैंक यू, कल तो मेरी खूब सारी शॉपिंग, वाह मतलब मेरी लॉटरी लग गई, कल मैं खूब सारी शॉपिंग करूंगी, दोनों बेटियां कितनी अच्छी लग रही है, अल्लाह इनको हमेशा नजर से बचाए, अल्लाह हमेशा इनको दोनों से ऐसी जोड़ी रहा है, नन फसाई नहीं, दोनों बहने हैं, तो अल्लाह ने हमेशा खुश रखे, आपको भी, आपको भी नजरों से बचाए, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर बच्चे खुश है तो अम्मी पापा को कभी कुछ नहीं होगा, हमेशा खुश रहेंगे, बस बच्चे खुश रहें, और हमेशा बोलती हूँ बार बार वही बोलते हैं, हमारे लिए तो कोई मोल नहीं है उसके सामने, लोगों के सामने, हमेशा इनको खुश रखे, हमेशा मैं वही देखना चाहती हूँ, उसका हंसना हंसाना बोलना बचपना हमें बहुत अच्छा लगता है, मुझे अल्लाह वो कितनी बड़ी हो जाए हमारे लिए, बच्ची बच्ची रहेगी, तूने क्या किया इसमें से, मुझे हैप्पी बर्थडे बोल दो, मुझे पारी कर दो, तो अभी ये नीचे आ गए, हमारे हाथ में दे दिया रेहान ने, मतलब भाभी करो से आप पकड़ो,
और अब यहाँ पे हम बैठ के खाना खाएंगे. वेरी गुड प्रतीक, थैंक यू. व्हाइट सॉस पास्ता है, रेड सॉस पास्ता है. ये टैकोज मैंने आज पहली बार ऑर्डर किए हैं, पता नहीं सबको कैसे लगेंगे. और फिर गार्लिक ब्रेड है, पिज्ज़ा है, भुना चिकन रोटी है और पनीर चिली और क्या है, लॉलीपॉप. बस हो गया है अभी डिनर विनर सबका. हम सुकून से यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये थी हम सबकी एक छोटी, मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, और ये थी हम सबकी एक छोटी सी कोशिश मैडम को स्पेशल फील कराने की, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था. तो बस वही चल रही है. कैसा लगा आज सब? बहुत अच्छा. और सबसे ज़्यादा मुझे वो डेकोरेशन बहुत पसंद आया. इत्तेफाक देखिए, ये शायद कनेक्शन कहते हैं, मैं 3 बार बोल चुकी हूँ. मुझे वो इतना, मैं अमेज्ड हो गई हूँ उससे कि मुझे नहीं पता था कि जो स्कीम है, कलर स्कीम है, वो लैवेंडर है. क्योंकि लैवेंडर तो हमने आज तक कभी भी नहीं किया है. और आज मैंने ये सूट पहले बाहर निकाला, फिर मैंने वापस रख दिया था, फिर मैं सोचा कि नहीं आज ही ये पहनती हूँ, ये अच्छा लगेगा, और मैंने ये निकाल के पहना. तो या दैट वाज स्वीट. और बस सब कुछ अच्छा था. बहुत ही स्वीट, बहुत ही स्पेशल था. छोटी छोटी चीज़ें, वो अम्मी की पॉकेट मनी, तो मेरे पास इस वक्त पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा जमा हो गई है. मैं इंटरेस्ट से शॉपिंग करूँगी. सडनली प्लान बना. और ये स्पेशल थैंक यू रिंकू के लिए, डीकेक क्रिएशन के, इतने अर्जेंट बेसिस पे उसने बहुत ही खूबसूरत केक जो है वो बना के भेजा मैडम के लिए. थैंक यू रिंकू. और एक्चुअली जैसे मैंने पहले बोल चुका हूँ कि सारा कल जा रही है और सब चाहते थे कि सारा के सामने एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाए, जो कि इसका पेंडिंग था, तो वो हमने कर लिया. तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा वो सबकी. बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत ही अच्छा लगा. ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं. और बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है. चलो गुड, ये खुश तो हम सब खुश. ठीक है, तो ये था बस आज का वीडियो, इसका बर्थडे पेंडिंग जो था उसका सेलिब्रेशन. और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब गिफ्ट तो इसको पूरे साल मिलते रहेंगे, इस बार तो शुरुआत हो चुकी थी, ये भी है. तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. और आपका प्यार बहुत है हम सब के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए. और मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ. अब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, लेकिन सही चीज़ गलत चीज़ नहीं. पेरेंट्स को प्यार, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी केयर और उनको वक्त दीजिए. और बिंदास रहो यार, बिंदास रहो. लव यू, अल्लाह हाफिज़. इंस्टाग्राम ट्विटर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.